I'm really thankful ki I got a ship and it's very beautiful. So hello guys and welcome back to the video. I am finally on board. I know last vlog में बहुत लोग बहुत questions पूछ रहे हैं भाई, धीरे धीरे आराम से सब questions आपके solve हो जाएंगे. But this video is the continuation of the last vlog. जिन्होंने मेरा last vlog देखा उनको मालूम होगा कि I was in the hotel room. उसके बाद मुझे vlog ख़त्म करना पड़ा and मैंने upload भी कर दिया था. बट उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ. उसके बाद हम लोग को एडवाइस दी गई कि हम लोग शायद सुबह जाएंगे. हम लोग कुछ मालूम नहीं था कब जाने वाले हैं. सो आई स्लेप्ट बिकॉज ऑलरेडी जेट लैग इतना बड़ा था, इतनी लंबी फ्लाइट थी, दिमाग का दही हो गया था बहुत तगड़ा वाला. सो आई स्लेप्ट. सुबह 5 बजे कॉल आता है एजेंट का एंड शी सेड कि भाई आ जाओ, नाउ वी हैव टू गो. तो मैं आपको बता देता हूँ, पनामा कैनल के एक तरफ है बलबोआ और एक तरफ है क्रिस्टोबेल. नाउ हम लोग का प्लान था कि हम लोग बलबोआ में साइन ऑन करेंगे एंड विद द शिप वी विल कम एंड विल गो टू US. बट देन जो है वो प्लान सडनली चेंज हो गया एंड शिप को जाना ही था. सो शिप जो है बलबोआ से निकल के पनामा कैनल क्रॉस किया और वो आ गया क्रिस्टोबेल में. क्रिस्टोबेल में एंकरेज कर दिया फॉर आवर साइन ऑन. तो हम लोग नॉर्मली हमारा जो होटल था डेट वॉज इन बेलबोआ. सो वहाँ से हमको ट्रैवलिंग करते हुए आना पड़ा. अराउंड 2 से 3 घंटे लगे. सुबह 5 बजे हमने ट्रैवलिंग किया, अराउंड 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए. उसके बाद क्या हुआ मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, देखिए इस वीडियो में. ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ द बोट जट्टी. यहाँ से हम लोग बोट में जाएंगे शिप में. सो वी आर वेटिंग आई डोंट नो कुछ क्लियरेंस वेरेंस के लिए और हमारे जो भी मेट्स हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं. मस्त चल रही है, मस्त. अब जो वीडियो के बाद मैं कंटिन्यूएशन करूँगा बिकॉज मैं व्लॉग नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया मैं आप लोगों को बता देता हूँ. तो वहाँ पर जो वेव्स फॉर्मेशन है वो बहुत कम होता है. हमारा जो शिप था दैट वाज लिटिल आउटसाइड. वो जो बोट था जिसमें मैं बैठा था जो अभी आपने देखा, वो जुप छक जुप छक जुप छक. तो आप सोचो कि मेरा क्या हाल हुआ होगा, मेरा क्या, मेरे साथ और 3 लोग भी थे. नॉट टू बी फ्रैंक आई एम लिटिल सी सिक और मुझे सी सिकनेस बहुत जल्दी हो जाती है. तो मैं चुप हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ. तो जो बोट है वो ऐसे ऐसे करते हुए अप्रोच किया हमारे बड़े से शिप को. और जैसे ही हम लोग शिप के साइड में लगे, नाउ शिप इज़ हैविंग नो कार्गो. तो मतलब फुल बैलेंस कंडीशन में ऐसे शिप. तो जो फ्री बोर्ड है इतना लंबा है, इतना लंबा. तो आप लोग सोच सकते हो हमको उस बोट से सामान को पहले ऊपर पहुंचाना था, फिर खुद जाना था. और वो बोट जो है ऑलरेडी झुप 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 कर रही है. मेरा तो हालत ख़राब हो गई थी टू बी फ्रैंक. बाकी 3 लोग मस्त थे. अब क्या करें, हो जाती है. तो हमारा जो लगेज है दैट वॉज टेकन फ्रॉम रोप से लेके गए ऊपर. उसके बाद जैसे ही हमारा लगेज जो ऊपर लेके चले गए ऑन बोर्ड, हम लोग का ऊपर जाना था. हम लोग को लैडर जो है वो क्लाइंब करनी थी. लैडर क्लाइंब करने के बाद फिर गैंगवे से होते हुए जाना था. तो जैसे ही मैं ऊपर ऑन बोर्ड आया, सो फर्स्ट थिंग आई डू इन एवरी शिप, आई बो एंड टच द फीट. आई एम रियली थैंकफुल कि आई गॉट अ शिप एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. दिस लाइफ इज़ वेरी गुड एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी इमोशनल इन दिस वीडियो बट स्टिल थैंक गॉड. उसके बाद मेरी हालत जो थी ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी. मैं एकदम टायर्ड हो गया था जिसे बोलते हैं. फिर हम लोग जो है वो बैग लेकर के अंदर आए. द पॉइंट इज़ जब आप ऑनबोर्ड आते हो तो आपका जो रिलीवर है वो आपको हैंडओवर करता है. बट एट दिस पॉइंट वो जो बोट खड़ी थी वो हम लोग को ऊपर चढ़ा दिया और रिलीवर्स को लेके जाने वाली थी. तो जैसे ही मैं रूम में आया, मैं अपने को फ्रेशन अप कर रहा था, मैं देखा कि मेरा रिलीवर निकल रहा है. तो मैं जल्दी से भागते हो गया और मैं रिलीवर जो था वो ऑलरेडी बोट में जा चुका था. एंड मैंने उसको बोला एक ही चीज़, भाई हाथ तो मिला के जाता. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ माइंड. बट लकीली
माय इंजन रूम टीम इज़ वेरी गुड, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. अभी मेरे को ऑन बोर्ड 2 दिन हो चुके हैं एंड 2 दिन से लगातार लगे पड़े हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ सीखने में. जो भी मेरे अंडर आता है अभी मुझे सब सीखना है, तो बस यही चल रहा है अभी फ़िलहाल. एंड आई थॉट कि वो जो लास्ट व्लॉग का कंटिन्यूशन मैं कंप्लीट कर दूँ, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ. ऐसे काफ़ी व्लॉग्स आते जाएंगे एंड आई एम वेरी थैंकफुल वी हैव गुड इंटरनेट ओवर हेयर एंड द शिप इज़ वेरी गुड, द पीपल आर वेरी नाइस, ऑसम गाइज. यस ऑफ कोर्स दिस इज़ LPG गैस कैरियर एंड आई एम ऑन बोर्ड एज अ 4th इंजीनियर. I have switched over from bulk carrier to gas carrier by the grace of God. हो सके तो इसके बारे में कभी बात करेंगे, how I did it, as the time permit, as मुझे time मिलता जाएगा मैं करता जाऊँगा, no issues in that. अभी तो बस सामान समेट रहे हैं, अभी मुझे time नहीं लगा था अपना baggage निकालने का, but फिलहाल अभी time मिल गया है because this is a UMS vessel, हम लोग को time मिल जाता है. अब UMS क्या है वो भी धीरे धीरे बताता रहूँगा. So this आज के vlog के लिए, इस व्लॉग के लिए इतना ही गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे व्लॉग्स आते जाएंगे. टू बी फ्रैंक आई डोंट वॉन्ट टू रिवील माई कंपनीज नेम, अगर आप लोगों को मालूम है देन वेल इनफ, नाइस, वेरी गुड, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस रियली. इफ आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये बात, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग.